नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टूट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अब आपके पास भी पैसा होगा, ऐसा एक आपको उपाय बताने वाला हूं। तो इसमें दो उपाय रहेंगे, दोनों उपायों को आपको करना है ताकि आपके पास भी धन की कमी ना रहे। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाने हो, चाहे अपने लिए घर बनवाना हो या फिर अपने लिए कोई वाहन खरीदना हो। अगर पैसे नहीं हैं तो आप ये कार्य कर ही नहीं सकते। यानी जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों को लाने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होती है। धन है तो आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छी जगह पर रह सकते हैं। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है और सबको है। तो आपको क्या करना है उपाय के नाम पर, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले कृपया सिद्ध टूट के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकें। कैसे करना उपाय, आइए जानते हैं। ये उपाय मुख्य रूप से बृहस्पति ग्रह को साधने के लिए है, यानी गुरु को साधने के लिए है। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो गुरु अच्छा होकर के आपको गंभीर बनाता है और आपकी बातों को सभी जगह पर लोगों को ऐसा विवश करता है कि वो आपकी बात को माने, और उसके बदले में जो कार्य आप कर रहे हैं वो हर जगह पर आपको पैसे दिलवा सकता है सम्मान के साथ साथ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला जो काम करना है वो है अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में सोच लें जो बहुत धनवान है आपकी नज़र में। उस व्यक्ति को सोच लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए पीली हल्दी से एक सफ़ेद कागज़ पर, पीली हल्दी सफ़ेद कागज़। जिस व्यक्ति को आप मान रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है आपकी नज़र में, उसी का नाम लिखना है। जिसके आसपास या जिसके साथ आपको उठना बैठना हो, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप बार बार मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो अमीर है आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है उसका भी नाम लिख सकते हैं, या फिर जिसको आपने अमीर माना हुआ है आप उसका नाम लिख लीजिए। सफ़ेद कागज़ पीली हल्दी से उसका नाम लिखेंगे। लिखने के लिए लेखनी का अगर आप चाहते हैं तो आम की लकड़ी या फिर अनार की लकड़ी का प्रयोग करें, तो उसमें अनार की लकड़ी सर्वोत्तम होती है, कई बार बताया है। इससे नाम लिखें, नाम लिख करके इसको अब ये पर्ची बन गई जिसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है, और आप प्रतिदिन ऐसा पाएंगे कि आपकी ग्रोथ पहले से कहीं तेज़ी से हो रही है। केवल इसको लिख करके रख लेना, इसी से आपको इतना सारा परिवर्तन नज़र आएगा। दूसरा जो उपाय करना है वो है कि गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर पीली मिठाइयाँ चढ़ाइए, साथ ही भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी धन दौलत में वृद्धि हो। कितना आसान सा उपाय है, केवल आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय के बारे में कहना है कि हमें यहाँ पर तरक्की मिले, और बस इतना कह करके आप वापस आ जाएं। जो आपको पूजा पाठ मंदिर में करनी है रेगुलर वैसा आप करते रहिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको गुरुवार के दिन मंदिर जाना जरूर है और उस व्यक्ति का नाम अपने साथ रखना जरूर है। बस आप करके देखिए, अगर आपको 7 से 8 दिन में परिवर्तन नज़र ना आए तो आप पर्ची फाड़ के फेंक देना और चैनल भी अनसब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।